ऐसा दोबारा न हो किसी के साथ बिहार में, और जिन्होंने ऐसा किया उनको इस किए की सजा भी मिलनी चाहिए और मिलेगी ही। इस घर में कोई संगमरमर तक नहीं था, फिर भी लोग इसको उखाड़ कर लेकर गए, जिस पर हवा और पानी पर रोक नहीं लगाया जा सकता। प्रशासन के लोग आए और यहाँ का चापाकल और नल तक उखाड़ कर ले गए, कुर्की कर ली गई। नहीं, नल मेरे घर में नहीं था वो जी। नहीं अच्छा। था हाँ। चापाकल था हाँ। और चापाकल मेरा उखाड़ लिया गया। मेरा छोटा भाई की पत्नी जो नई मतलब की बहू है इस घर की, उसके घर का जो है गेट चौकट जंगला सब उखाड़ लिया गया। ये मेरे दादाजी ने घर बनवाया था, और ज़रा बताइए वो दादाजी जो देश की रक्षा किए भारतीय सेना में थे, हाँ उन्होंने बनवाया था, और उसके बावजूद मतलब कि ऐसा किया गया। वो चापाकल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे बगल में चापाकल है, वहाँ पे आ जाइए इधर इधर। क्या इतना बड़ा अपराध कर दिए थे मनीष जी की, जो है इनके घर पर कुर्की हुई और चापाकल सब उखाड़ा गया, इतना बड़ा अपराध था इनका, या सिर्फ इनको साजिशों की वजह से फंसाया गया? अपराध नहीं, ये तो जनता की आवाज है मनीष कश्यप। इनका मैंने जितनी भी आज तक बातें सुनी है वो जनहित की बातें हैं, जनता के लिए है। और फिर वो सरकार क्या जो जनता की आवाज से डर जाए? हम नरेंद्र मोदी जी के साथ ही हैं, हम यहाँ आए हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि वो अवेयर नहीं है। उनको पता है कि आज मैं मनीष के घर जा रहा हूँ, तो उद्देश्य इतना ही है कि किसी की अभिव्यक्ति पे, किसी की स्वतंत्रता पे और किसी के जनहित के लिए आवाज़ उठाए जाने पे अगर उसको कोई सुनने की बजाय सजा देता हो, ये तो सुनने की बात है। हम इनकी कई बातें सुन करके उससे अच्छा निर्णय लिए हैं, तो सिंपल सी बात है कि इस लड़ाई में मनीष अकेले नहीं है। आप लोग साथ देंगे? अब यहाँ तक आए हैं तो हम साथ ही हैं। आप साथ देंगे या पार्टी साथ देगी? हम जब यहाँ तक आए हैं तो अब मनीष अकेले नहीं, आने वाले दिनों माना जाएगा कि मनीष जी बीजेपी के साथ होंगे। देखिए मैं एक पत्रकार हूँ, मैंने 5000 वीडियो बनाया है इनके सामने, मैं कह रहा हूँ 4000 वीडियो मैं बीजेपी शासित प्रदेशों में घूम घूम के बनाया हूँ। नरेंद्र मोदी जी से भी कड़वे सवाल पूछा, अमित शाह जी से भी पूछा, इन लोगों से भी पूछा, बीजेपी के बहुत सारे सांसद हैं बिहार में उनसे भी पूछा, उन लोगों ने कभी मेरे घर का कुर्की नहीं किया, उन लोगों ने कभी जो है मुझे दबाने का प्रयास नहीं किया, मुझे सताने का प्रयास नहीं किया। उन लोगों ने मेरे घर का कुर्की जो है बिहार में किन लोगों ने करवाया है आपको पता है, जो बिहार में जंगल राज को और बड़ा करना चाहते हैं और हम लोग जंगल राज को ख़त्म करना चाहते हैं, उन लोगों ने मेरे घर का कुर्की कराया था। क्या अपराध था मेरा? इतना बड़ा अपराध था कि मेरे घर का कुर्की हो जाए? इतना बड़ा अपराध था? जेल से निकलने के बाद तो मनीष कश्यप को लगातार समर्थन मिल रहा है, लोगों को सच्चाई पता चला। मनोज भैया को तो मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, ऐसे ऐसे लोगों का दिल जो है समंदर से भी ज़्यादा गहरा होता है, जिसकी गहराई आप नाप नहीं सकते हैं। ज़रा सोचिए अभी मेरे दरवाजे पे 50,000 से ऊपर लोगों का भीड़ है, कम से कम प्रशासन जितना होना चाहिए, बिहार पुलिस के जितने जवान होने चाहिए नहीं है वहाँ पे, क्यों नहीं है? मनीष कश्यप के घर पे दिल्ली के एक सांसद, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के आ रहे हैं, कम से कम इनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी तो ली जानी चाहिए थी। यहाँ पे कम से कम 100 पुलिस वाले तो होने चाहिए थे। जाके देखिए बाहर कितना भीड़ है, देखिए। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ पे कहीं नहीं तो कहीं जो है आवाज़ उठाने वाले को दबाया जा रहा है, वो नहीं दबाया जाना चाहिए। और ये आए हैं, मैं तो सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ अपने आप को। मनीष भैया, जिस तमिलनाडु के मामले में, जिस किसान को मारने के मामले में जो है, जिसको न्यूज आपने चलाया उसी मामले में आपको गिरफ्तार किया गया, वो मुद्दा उसके बाद अब तक नहीं खुला कि क्या वाकई में ऐसी घटना हुई नहीं हुई, उसको दबा दिया गया क्या उस पर? देखिए मैंने न्यूज नहीं चलाया था, मैंने सवाल किया था और फेक वीडियो हम लोगों ने कहीं नहीं बनाया था, वो सारा मामला को दबाया गया। क्या उस पर फिर से आवाज उठेगा कि नहीं? बिल्कुल उठेगा। उस किसान के क्या जो राष्ट्र के साथ खड़े रहेंगे, उन लोगों के साथ मनीष कश्यप खड़ा रहेगा, जो राष्ट्रवाद की बात करेंगे, जो बिहार के मजदूरों के उत्थान की बात करेंगे, उनके साथ मनीष कश्यप खड़ा रहेगा क्या? नहीं, अभी मैंने इसके बारे में नहीं सोचा है।
मनीष जी ने एक भागलपुर के सुल्तानगंज में मनोज जी एक पुल था उसकी भविष्यवाणी की थी कि एक साल के अंदर ये पुल गिर जाएगा। मनीष जी जेल गए और 8 से 5 महीने के अंदर वो पुल जो है फिर से गिर गया, धरधरा कर गिर गया। 1400 करोड़ रुपए की लागत से, 1750 करोड़ रुपए की लागत से। बिहार सरकार ने उसके ऊपर एक्शन लेने से पहले जो है इनके यहाँ उस पर एक्शन लेना उन्होंने उचित नहीं समझा, इनके घर की कुर्की करवाना उचित समझा, ना इन्होंने मर्डर किया था। और बिहार में 6-6, 7-7 मर्डर करने वाले लोगों के घर की कुर्की नहीं होती है क्या? अभिव्यक्ति की आजादी अब नहीं रही, यानी कोई बोलेगा तो उसके घर पर बुलडोजर चलेगा। अब ऐसा करने वाले अपराधी हैं जी, ऐसा करने वाली जो भी शक्तियाँ हैं वो कानून सम्मत काम नहीं कर रही हैं और इसलिए तो हम यहाँ पे हैं। और बहुत चीज़ें हम क्या बताएं, बस ये समझ लीजिए कि हम आए हैं तो कुछ सोच के ही आए हैं। और मनीष की ये लड़ाई हम सभी की लड़ाई है। आप जेल जेल आ रहे थे मनीष जी से मिलने के लिए, नहीं मिले, लेकिन आप नहीं मिल पाए, कोई क्यों नहीं मिलने दिया गया था आपको? अब यही तो बातें हैं जो बिहार की जनता को भी पता चलनी चाहिए जी। मैं मनीष से जिन परिस्थितियों में मिलने जा रहा था जी, मिलना आवश्यक था। मैंने पत्रकार को समाचार देने के लिए, न्यूज देने के लिए NSA लगाया जाना हम तो पहली बार सुने जी। तो हम इसलिए खड़े हैं कि अब मनीष कश्यप कोई एक मात्र एक व्यक्ति नहीं है, वो एक आंदोलन है और उसको थमने नहीं दिया जाए। मनीष भाई, सब संविधान में फ्रीडम टू स्पीच की बात कही जाती है और नरेंद्र मोदी ने खुद एक वीडियो बनाया है कि यूट्यूबर्स हम, मैं भी हूँ, आप सब हैं और फ्रीडम टू स्पीच की बात की जाए और आप लोग आवाज़ उठाइए, लेकिन उसी चीज़ को बिहार में दबाया जा रहा है। हम दबने नहीं देंगे, इसलिए तो हम आज 20-25 घंटे की यात्रा करके इस गाँव में है और मुझे बहुत अंदर से सुकून मिल रहा है। और न हम मनीष कश्यप की आवाज़ को दबने देंगे और न बिहार के किसी बच्चे को। कहा था कि जो आपसे मनीष कश्यप मुलाकात की थी, मैं आपके घर आऊँगा, आपके घर को देखूंगा, आप उनके घर को देख के भावुक क्यों हो रहे हैं? मुझे इस बात का विश्वास हो रहा है कि जनता की आवाज़ निर्भीकता से रखने के लिए आपको बहुत संसाधन होने की आवश्यकता नहीं है। जो ये घर देखेगा मनीष कश्यप का, ये खपड़ा, ये टूटे हुए खपड़े, कहीं कहीं कराकट लगी हुई, उसके बाद भी वो साहस कहाँ से आता है, ये एक एग्जाम्पल सेट किया है मनीष भाई। मनीष कश्यप जी एक एक डेढ़ डेढ़ पचास पचास हजार रुपए के 1,00,000 रुपए जाके मृतक परिवारों के यहाँ डोनेशन दे देते, लेकिन अपने घर पर टाइल मार्बल और पत्थर नहीं लगवाते हैं, फिर भी सरकारें इनकी तरफ ध्यान नहीं देती। सरकार की तो बात ही छोड़िए, एक माँ जो बेबस थी, जो रो रो कर जिनका बुरा हाल था, जो सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक इस सत्य की लड़ाई को लड़ने का प्रयास करे, यहाँ के लोग उनके साथ नहीं खड़े हुए, नेताओं की मैं बात कर रहा हूँ। देखो जिन लोगों शायद आप ने उस माँ की बेबसी आज यहाँ पर आए हो तो उन माँ ने दो बेटे रूप को पाया है और शायद आप उनकी बेबसी समझ पाए हो, समझ रहे हैं और उस अत्याचार का अंत होगा। देखिए मेरा भाई है, सबने मनीष, एक मिनट, मेरा भाई है ये, बैंक में नौकरी करता था, इधर आ जाओ करण, ये बैंक में नौकरी करता था, इसको मतलब कि मेरे काम से कोई मतलब नहीं था, इसका नौकरी छूट गया, इसका नौकरी छूट गया, इसका नौकरी छूट गया, ये मतलब कि मेरे लिए दौड़ धूप ये सब करना, कभी तमिलनाडु जाना, कभी तमिलनाडु में मदुरई, कभी चेन्नई, कभी कहीं, कभी कहीं, मेरी माँ जो है सबके आगे जो है झोली फैलाई थी कि मदद कीजिए, मदद कीजिए, मदद कीजिए, कुछ लोग आपके जैसे आगे आए, मदद किए। अब जरा बताइए मेरे साथ जो हुआ, क्या देश के किसी पत्रकार के साथ ऐसा होना चाहिए था या इतिहास में कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है? देखिए कुछ लोगों की प्रवृत्ति है, कुछ लोग ऐसे हैं जो सत्ता में आते हैं तो पत्रकारों की, पत्रकारिता की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। आपके साथ साथ हमने कुछ ऐसी घटनाएं देखी, महाराष्ट्र में आई इन लोगों की सरकार जो आजकल बिहार में है, तो इन्होंने वहाँ एक पत्रकार को गिरफ्तार किया, उसके ऑफिस से गिरफ्तार किया, कई लोगों को, अब वो नाम हम क्या लें, सबको पता है कि वो चाहे अर्नब गोस्वामी हो, मनीष कश्यप हो, ये अमन चोपड़ा हो, इन सब लोगों, सुधीर जो चौधरी, सुधीर चौधरी हैं, तो एक पर्टिकुलर हमें कहने में कोई गुरोज नहीं है। जब कांग्रेस और राजद जैसी लोग ये प्रवृत्तियाँ मिलती हैं
तो ये सोचती हैं हम कितना भी अपराध करें, पाप करें, जनता का अनहित करें, कोई आवाज न उठाए। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये मत समझो कि वो पत्रकार की आवाज को आप कुचल दोगे। ये लोग पुनः खड़े होते हैं और इतनी मजबूती से अपनी आवाज रखते हैं जिसमें पूरा देश खड़ा होता है। हम तो मात्र, आपको लगता है कि राष्ट्रवादी विचारधाराओं को दबाने का प्रयास किया जाता है? किया गया है। हाँ। लगातार किया गया है। जो राष्ट्र की बात करे, देश हित की बात करे, बिहार हित की बात करे, समाज की बात करे, सबको लेकर चलने की बात करे, बिहार के डेवलपमेंट की बात करे, उसको पीछे धकेलने का काम सरकारें, सत्ताएं, प्रशासन करते हैं यहाँ के। किया गया है कई कुछ पार्टियों के द्वारा, ऐसा किया गया है जी। और यही तो जनता को खड़ा होना है। उसका शिकार मनीष जी भी हो गए हैं, 100% हुए। मनीष ने जो दमन झेला है, जो तकलीफ झेली है, मुझे तो याद करते हुए इमोशनल हो जा रहा हूँ मैं। आपने कहा कि मनीष कश्यप के कई वीडियो से मैंने निर्णय भी लिया है, यानी आप भी मनीष कश्यप को फॉलो करते हैं? 100% हमारा इतना गौरवशाली बेटा है बिहार का, वो तो उसके लिए मुझे गर्व क्यों ना हो। और उसके उसके जो संघर्ष हैं उससे बहुत कुछ हमें ऐसा मिला जहां हमें लगा कि एक सांसद के रूप में हमें निकलना चाहिए, एक बिहारी के रूप में हमें निकलना चाहिए, इनको सपोर्ट करना चाहिए। और मैं दुनिया को डंके की चोट पे कहता हूं, मैं भी हूं और हमारे पीछे जितनी ताकत खड़ी है सब कुछ मनीष के साथ। मतलब पूरी बीजेपी मनीष कश्यप के साथ है? पूरा राष्ट्रवादी लोग मनीष कश्यप के साथ, राष्ट्रवादी लोग मनीष कश्यप के साथ। हां एकदम, बिल्कुल बिल्कुल। आप चापाकल दिखाने की बात कर रहे थे मनोज जी, एक मिनट आ जाइए, सिर्फ इस चापाकल को देख लीजिए, यहाँ पे है। Yeah.